हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। दुआ करता हूँ सब खैरियत से रहें, सब बढ़िया रहें, सब मज़े में रहें। दोस्तों, मैंने अभी अभी सुबह के टाइम, अगर आप ये वीडियो दोपहर में देख रहे हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने अभी इमारेट से चैट करी और चैट करके पता करा कि कन्फर्मेशन क्या है कि क्या क्या फ़्लाइट्स वाकई में 7 जुलाई को ओपन हो रही हैं, इंडिया से दुबई की, या पाकिस्तान से दुबई की, या नेपाल से दुबई की, या फिर उन्होंने उनसे ये भी क्वेश्चन करा कि क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है। तो उनका क्या रिप्लाई आया, क्या कंफर्मेशन से न्यूज़ क्या कह रही हैं, तो सारा मिलाकर के मैंने ये वीडियो इमरजेंसी में बनाने की सोचा कि आपको बता दूं कि इमारेट्स का चैट सपोर्ट क्या कह रहा है। आप चाहो तो ख़ुद भी उनसे चैट सपोर्ट में बात कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं आपको बता दूंगा कैसे कर सकते हो। वीडियो को पूरा चेकआउट करिएगा, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बताऊँगा और सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा चेकआउट करिएगा, स्किप मत करिएगा, छोटी सी वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि काफ़ी गंद मचा हुआ है चारों तरफ, न्यूज़ पेपर में भी और यूट्यूब पर भी कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे, क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे वादा करा था कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा। वीडियो को पूरा चेकआउट करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, आपने मैंने जो डेली बेसिस पे वैकेंसीज आपके लिए लेकर आता हूँ, लेटेस्ट जॉब्स अपडेट हो चुकी है वेबसाइट पर। नीचे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पहले लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं www.realjobsindubai.in, वहाँ पर जाकर के अपने CV को सबमिट कर सकते हैं। लेटेस्ट जॉब्स अपडेट हो चुकी हैं, तो अप टू डेट जो इस टाइम UAE में अवेलेबल हो वो जाकर के जल्दी से जल्दी चेकआउट करी। वगैरह इंटरव्यू भी डेली बेसिस पे अपडेट करता हूँ मैं, जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। और वहाँ पर जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप ग्रुप, हमारा चैट सपोर्ट जो भी है, सबको ज्वाइन और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिल सके दुबई की जॉब इन्फॉर्मेशन की और फ्लाइट्स की। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, जब मैंने उनसे क्वेश्चन करा कि फ्लाइट्स कब ओपन हो रही है, पहले तो मैंने क्वेश्चन करा उनसे कि फ्लाइट्स इंडिया की कब ओपन हो रही है और पाकिस्तान की कब ओपन हो रही है दुबई की, तो उन्होंने पहला जो रिप्लाई आया उनका ये आया कि अभी वो कन्फर्मेशन नहीं है, टिल डेट यानी कि कुछ दिनों के अंदर हम आपको अपडेट कर देंगे। ठीक, फिर मैंने उनसे क्वेश्चन करा क्या वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अभी तक फ्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है, तो कंफर्म नहीं है अभी कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि कभी खाली टाइम की न्यूज़ में मैंने आपको बताया था, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि वैक्सीनेशन ज़रूरी है, लेकिन इमारेट का चैट सपोर्ट यहाँ पर बोल रहा है कि वैक्सीनेशन के भी कन्फर्मेशन नहीं है कि ज़रूरी है या नहीं है, फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज, वो भी आपको कुछ दिन के बाद ही जब फ्लाइट स्टार्ट हो जाएंगी तभी पता चलेगा। तभी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अभी टिकट्स मत बुक कराइए, अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बार बार मैं हर वीडियो में यही मेरी बात आपसे रहती है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, स्टार्ट पूरी तरह से जो फ्लाइट्स होती हैं वो पूरी तरह से स्टार्ट होने दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो 7 जुलाई की बात आ रही थी, फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है या नहीं, तो मैंने उसमें भी उनसे चैट में बात करा कि इमारेट्स की तरफ से एक अपडेट आया था जिन्होंने ट्वीट का रिप्लाई दिया था कि 7 जुलाई से फ़्लाइट स्टार्ट हो रही है, तो क्या इस पे भी ये भी कंफर्म है? बोला ये भी कंफर्म नहीं है, उन्होंने चैट सपोर्ट में यही कहा कि ये भी कंफर्म नहीं है। तो इन बातों से ये पता चलता है कि आप किसी भी न्यूज़ पे भरोसा मत करें, वेट करें फ्लाइट ओपन होने का। 7 जुलाई को ओपन हो भी सकती है, नहीं भी कुछ पक्का नहीं पता, क्योंकि अथॉरिटीज़ कुछ कह रही हैं और एयरलाइंस कुछ कह रही हैं। जब तक इन दोनों का मिक्सअप नहीं होगा, जब तक दोनों राजी नहीं होंगे, तब तक फ़्लाइट्स ओपन नहीं होंगी। वेट कर ले, कोई आफत नहीं आ रही है, लेकिन हाँ काफ़ी लोगों का लॉस भी हुआ है, तो उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं दुआ करता हूँ जिनका भी लॉस हुआ है, ऊपर वाला उनका लॉस पूरा कर दें। बाकी आप भी प्रे करिएगा जल्दी से जल्दी फ्लाइट ओपन हो जाए, क्योंकि UAE जो है इस टाइम बहुत बड़ा एक टारगेट बना हुआ है जॉब्स का, जहां पर लोग जॉब सर्च करते हैं और बिजनेस करने का भी सोच रहे हैं। अब हाल ही फिलहाल में एक्सपो की आप ले सकते हैं। एक्सपो में अब राशिद बिन मक्तूम ने, जो इस टाइम UAE के क्राउन प्रिंस है और मालिक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था, काउंटडाउन भी शुरू हो गया है, लगभग 90 डेज बाद एक्सपो स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है जब एक्सपो स्टार्ट होगा तो फ्लाइट तो पूरी तरह से ओपन हो जाएंगी, तो आप वेट करिएगा। मेरा आपसे पर्सनली ये सजेशन है कि आप कम से कम 1 महीने का वेट और करिएगा। सपोज करिएगा वो फ्लाइट्स ओपन करने का वादा कर रहे हैं 7 जुलाई से, तो आप 7 अगस्त तक वेट करिएगा अगर आप कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स आपको मैं बताता रहूँगा क्या क्या आपका नुकसान हो सकता है अगर आप हैंड टू हैंड फ्लाइट बुक करते हैं। तो बाकी जिनको ज़रूरी है, जो जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। बाकी मेरा रिकमेंडेशन ये है, थोड़ा सा वेट कर लें तब जाएं। ये थी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स खुला है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और पहली बार आए हो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग।